हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधी गुप्ता आपकी मैथ टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेटा, आपको बोला गया है मैट्रिसेस ए दी गई है, बी दी गई है, सी दी गई है आपको। फिर बोला गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी और ए बी एंड बी ए। तो चलिए आप क्वेश्चन को राइट करते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट ए मैट्रिसेस, इसमें आपको दिया गया है 3, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, ठीक है, ये दी गई है। नेक्स्ट आपको बी मैट्रिसेस दी गई है, इसमें आपके पास है 1, 3, -2, 1, 3, -2 एंड 5, ये दिया गया है, ठीक है। सी मैट्रिसेस आपको दी गई है, इसमें आपके पास है -2, 5, -2, 5 एंड 3, 4, 3 और 4, ठीक है बेटा, ये आपको दिया गया है। आपको बोला गया है फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसको कैसे करेंगे, हमने इसकी इंट्रोडक्शन कर दी है बेटा। तो a प्लस बी आप कैसे करेंगे, a मैट्रिसेस लिखेंगे 2, 4, 3, 2 और प्लस करेंगे b वाली मैट्रिसेस जो है आपके पास 1, 3, -2 एंड 5, ओके बेटा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हमारे पास रो है उसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो उसको जो दूसरी मैट्रिसेस है आपके पास b उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2 उसके साथ प्लस करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 4, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के साथ 4 + 3 एंड सेकेंड रो में बेटा फर्स्ट एलिमेंट है 3, वो हो जाएगा 2 के साथ प्लस, -2 है वहाँ पे और 2 + 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा ये 2 + 1, 3 हो गया, ये 7 एंड 2 - 2 है ये 3 - 2, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ओके बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है आपने फाइंड करना है ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस आपने फाइंड करना है। तो ए मैट्रिसेस है हमारे पास 2, 4, 3, 2, बी मैट्रिसेस दी गई है आपके पास 1, 3, -2 एंड 5, तो आप इसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस क्या करेंगे, सेम जैसे हमने एडिशन में किया है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस किया है, तो सेम आप यहाँ पे करेंगे 2 जो आपके पास एलिमेंट है उसमें से सेकंड जो मैट्रिसेस दी गई है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो वो माइनस करेंगे आप, फिर 4 माइनस करेंगे आप 3, 3 माइनस करेंगे आप -2 और आपके पास है 2 माइनस करेंगे आपको 5, ओके बेटा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 में से 1 गया आपके पास 1 आ गया, 4 में से 3 गया आपके पास 1 और ये देखिए आप 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 5, 2 में से 5 गया, तो बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -3, तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आपको सेकेंड थर्ड पार्ट दिया गया है 3a - c, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, ओके तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है आपने 3a - c फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपने 3a - c, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, ये 3a जो है ये फॉर्म कर रहा है स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने किया था स्केलर, वहां पे आपके पास 3 था बेटा, 3 आपके पास कोई नंबर होता है और मैट्रिसेस आपको दी गई है 2, 4, 3, 2, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे आप इसको, माइनस सी आपके पास, सी की आपके पास मैट्रिसेस दी गए हैं -2, 5, 3 एंड 4, क्लियर बेटा। यहाँ पे सबसे पहले आप 3a करेंगे, मतलब जो 3 नंबर है आपको, एक कोई नंबर दिया गया है,
आपने क्या करना है उसको ए मैट्रिसेस के साथ हर एलिमेंट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12 एंड 3 3 9, 3 2 6 ये आ जाएगा, क्लियर है। माइनस है हमारे पास -2 5 3 4, तो ये आप सॉल्व करेंगे 6 में से। अब माइनस वैसे ही करना जैसे हम कर रहे थे फर्स्ट एलिमेंट में से, सेकंड मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करना है। तो 6 माइनस -2 आपके पास 12, वो -5 है, 9 -3 है एंड 6 -4 है, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 6 में से माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 8 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6 एंड 6 में से 4 गया 2, तो ये आपके पास मैट्रिसेस आ गई है। क्लियर बेटा, ये आपके पास आंसर आया इसका थर्ड पार्ट का, ओके। आप इसको नोट करिए, थर्ड हमारे फोर्थ वन है हमारे पास। फोर्थ वन में आपको दिया गया है ए और बी। ए बी का मतलब क्या है, आपको ए जो बी मैट्रिसेस दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप ए मैट्रिसेस है हमारे पास 2 4 3 2 एंड आपके पास बी जो मैट्रिसेस है वो दी गई है, सीधा आप लिखेंगे 1 है -2 है 3 और 5 है, ओके बेटा। तो आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बेटा, आपने इसकी इंट्रोडक्शन जरूर देखी है, वो मैंने आपको करवाई हुई है। मल्टीप्लिकेशन जो होती है हमारे पास जैसे रो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कॉलम के साथ, ठीक है बेटा। आप फर्स्ट रो देख रहे हैं 2 4 है तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और ये -2, ठीक है बेटा। फिर अगेन जो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा आपके पास, ओके। अगेन आप नेक्स्ट हमारे पास रो है 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, 3 1 हो जाएगा और प्लस 2 है आपके पास और -2 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई आपके पास 5 आ जाएगा, ओके बेटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं 2 हो गया और यहाँ पे -8 हो गया इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, प्लस में है आपके पास -8 और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, यहाँ पे 3 आ गया प्लस 2 2 4, तो ये -4 आया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 2 6 आ गया और प्लस 4 5 20 आ गया आपके पास, 3 3 9 और प्लस 5 2 10 आ गया आपके पास, ओके बेटा। नेक्स्ट आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं बेटा 2 और माइनस का 8 है तो प्लस माइनस माइनस और 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 26 है आपके पास और यहाँ पे 3 छोटा नंबर है, बड़े नंबर के साथ माइनस साइन लगेगा, प्लस माइनस 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 1 आ जाएगा आपके पास और 9 10 कितना आ जाएगा 90। तो नोट करिए आप इसको, देखिए यही आंसर है आपका -6 26 -1 90, यस यही आंसर है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं इसका, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला गया है, इसमें इसमें आपको बोला गया है बी ए आपने करना है। फिफ्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है बी ए, पहले आपने करा ए बी, अब आपको पहले बी मैट्रिसेस रखनी है फिर ए मैट्रिसेस रखनी है। तो बी हमारे पास है -1 3 -2 5 एंड ए मैट्रिसेस है 2 4 3 2। चलिए सॉल्व करिए अब इसको। अब आप देख रहे हैं अगेन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट रो क्या होगी, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ प्लस 3 जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड के साथ, 3 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, 3 और 2 आ जाएगा आपके पास, -2 है यहाँ पे
और यहाँ पे सेकंड रो देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 3 15, पहले आप ये लिख लीजिए, माइनस 2 है और 4 है यहाँ पे बेटा, 5 और 2 है, 5 और 2, ठीक है। आप इसको करिए, यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस 3 3 9, माइनस 4 एंड 15, यहाँ पे आया 4 और प्लस 3 2 6, माइनस 8 और 5 2 10, अब आप इसको नोट करिए, यहाँ पे 11 आ गया आपके पास, 10 फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए, और यहाँ पे आ गया 11 अगेन, और ये आ गया आपके पास 2, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। तो आपका आई थिंक यही आंसर है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए, थैंक यू।